Hey guys, what's up? I'm Kan Edits and welcome back to my channel. So guys, आप सभी को आज मैं कुछ कलर रिटच करके दिखाऊंगा इस लाइट रूम ऐप के अंदर. So guys, आप सभी को करना क्या है इसके लिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो के एंड तक देखनी है. एंड गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना यार. एंड चैनल पर नए तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो. एंड गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइज, आप सभी को जो फोटो को क्लिक करानी है ना गाइज, वो थोड़ा मतलब गाइज बैकग्राउंड में थोड़ा गाइज ग्रीन टाइप का भी होना चाहिए गाइज, एंड ब्लू भी, मतलब जो आसमान हो गए जैसे कि, एंड गाइज हमारे पीछे पेड़ पौधे हो गए. तो गाइज ऐसे ही आपको ऐसे एरिया में फ़ोटो क्लिक करानी है, ठीक है. जैसे कि गाइज ये वाला फ़ोटो है जो मेरे पास, ना गाइज मैं इसको पहले लाइट रूम ऐप के अंदर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है. सो गाइज आप इस फोटो को देख लीजिए गाइज, एंड ऐसा कोई लोकेशन देख के या फिर आप अपने हिसाब से देख के भी कहीं से आप कर सकते हो, ठीक है. तो मैं चलता हूँ आप सभी को लेकर लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है गाइज. तो हम लाइट रूम ऐप के अंदर आ चुके हैं. तो गाइज मैं अपने फ़ोटो को, मतलब अपने मॉडल को ले लेता हूँ, ठीक है. जाते हैं लाइट वाले टूल्स में. एंड गाइज आप सभी को करना क्या है, पहले इसकी शेडोज़ को पूरी 100 की तरफ प्लस कर देनी है, ठीक है. एंड इसके वाइट को भी थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है. एंड गाइज ब्लैक को आपको कम रखना है, ठीक है. एंड गाइज हाईलाइट को भी आप कम करना है, ठीक है. एंड आप सभी को लगेगा इसमें कॉन्ट्रास्ट जरूरत है, अभी कॉन्ट्रास्ट को डालना, ठीक है. एंड चलते हैं नीचे आइकन पे, ठीक है. एंड आप सभी को करना क्या है, इसकी वाइब्रेशन को आपको 100 रख देना पूरा प्लस में. एंड गाइज इसकी सेचुरेशन को आपको, अगर गाइज वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हो तभी सेचुरेशन को भी छीटना, ठीक है. एंड टेम्परेचर में अगर आप फोटो में ब्लू टोन देना चाहते हो गाइज, तो टेम्परेचर को आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, जिस तरीके से मैंने करा है, ठीक है. एंड नीचे टिंट में गाइज आप सभी को अगर कोई और कलर देना हो तो गाइज आप टिंट का यूज़ कर सकते हो. एंड गाइज आप उसे प्लस में रख के, ठीक है. अब चलते हैं मिक्स में. एंड गाइज आप सभी को पहले रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है. एंड गाइज के ह्यू को बढ़ा देना है, ठीक है. एंड ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है. एंड गाइज इसके ल्यूमिनस को हम गाइज जितना, मतलब आप जितनी ब्राइटनेस देना चाहते हो ना उतना कर लेना, ठीक है. अब जितना आप बढ़ाओगे उतना ही इसके वो, मतलब ल्यूमिनस जितना बढ़ाओगे आपका फेस उतना ही ग्लो होगा, ठीक है. एंड आप सेचुरेशन को भी गाइज थोड़ा माइनस में रख सकते हो. एंड ह्यू को भी गाइज थोड़ा प्लस में रख लेना, ठीक है. सो गाइज हमारी फोटो यहाँ तक देख लीजिए गाइज कैसी हुई है. तो गाइज मैं थोड़ा सेचुरेशन को और छीट लेता हूँ, ठीक है. तो मैं थोड़ा कम करके देखता हूँ गाइज, ठीक है. सो अब चलते हैं ब्लू वाले आइकन में, ठीक है. ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड गाइज इसके ह्यूज़ को, ह्यू को हम प्लस में रखते हैं गाइज, ठीक है. एंड सेचुरेशन को गाइज माइनस में रख लेते हैं. एंड गाइज ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. हमें पेड़ पौधे के गाइज ग्रीन कलर नहीं रखना, तो हम गाइज येलो कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड इसके ह्यू को कम कर देते हैं, ठीक है. एंड सेचुरेशन को भी कम कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है. एंड अब क्या करना है गाइज, सबसे गाइज सेचुरेशन को आप कम मत रखिए गाइज, थोड़ा बढ़ा के देख लीजिए गाइज, अगर बढ़ाने में हो बढ़ा के आगे कम करके या बढ़ा के आप चेक कर लीजिएगा गाइज, ठीक है. तो मैं इसको गाइज मैं माइनस में रखता हूँ, एंड ल्यूमिनस को प्लस में. तो गाइज आप सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन कलर, एंड इसके ह्यू को कर देते हैं हम 0 बिल्कुल उस माइनस में, ठीक है. एंड सेचुरेशन को प्लस में रख लेते हैं 90 तक, ठीक है. एंड ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं. एंड गाइज इसके ह्यू को हम देखेंगे गाइज, आपको ह्यू मतलब गाइज कितना चाहिए, मतलब गाइज कितना ब्लू टोन चाहिए आपको, ठीक है. तो इस ह्यू को आप उतना बढ़ा लीजिएगा. एंड गाइज सेचुरेशन को भी गाइज आप अपने हिसाब से प्लस में रख लेना. एंड गाइज ल्यूमिनस को भी प्लस में रख लेना, ठीक है. सो हम ऊपर से कर लेते हैं डन, ठीक है. जहाँ तक हमारी फोटो हो चुकी है एडिट, तो गाइज अब अभी थोड़ा और रह रहा गाइज, तो हम चलते हैं नीचे वाले टूल्स पे. एंड गाइज फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है. फोटो की क्लियरिटी को इंक्रीज़ करना है. एंड गाइज विगनेट को आपको गाइज माइनस में रखना है, ठीक है. ये देखिए गाइज विगनेट से हमारी फोटो थोड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है. तो एंड फैदर को गाइज आप सभी को 100 में रखना है प्लस में, ठीक है. एंड मिड पॉइंट को भी गाइज आप अपने हिसाब से देख लीजिए गाइज. एंड हम फोटो को शार्प करेंगे गाइज, जिससे हमारी फोटो HD क्वालिटी में आती है, ठीक है, शार्प से. एंड गाइज हम डिटेल को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इस बार, ठीक है. एंड आपको नॉइज़ डिटेक्शन को बढ़ाना गाइज, जिससे क्या है कि जो भी हमारे फोटो में नॉइज़ होगी ना वो हट जाएंगी, ठीक है. सो मैंने इसको इतना बढ़ा लिया गाइज. एंड फिर गाइज कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है. एंड कलर नॉइज़ डिटेक्शन को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है. एंड कलर नॉइज़ डिटेक्शन का भी वही काम है गाइज, आपके में जितने भी कलर की नॉइज़ होगी ना गाइज वो हटेंगी, तो गाइज आपकी फोटो और भी HD हो जाएगी. देख गाइज जैसे गाइज आप स्क्रीन पर देख रहे हो गाइज, ठीक है. एंड फोटो थोड़ा सा स्मूथ करेंगे गाइज, तो स्मूथ को थोड़ा बढ़ा लेंगे. एंड गाइज मैं आप सभी को दिखाता हूँ आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है, इसकी हमने कैसी फ़ोटो थी और कैसे एडिट करी. ये गाइज हमारी पहले वाली है और हमने इसको ऐसी एडिट करी है, ठीक है. ये गाइज हमने ऐसी एडिट करी है. एंड गाइज मैं फेस में थोड़ा गाइज ग्लो लाने के लिए गाइज मैं दोबारा से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है. एंड इसके सेचुरेशन को बढ़ाऊँगा, ठीक है. एंड मैं थोड़ा ल्यूमिनस को
नहीं गाइस, रेड कलर के ह्यू को थोड़ा सा मैं पहले एक बार छेड़ लेता हूँ, ठीक है गाइस। इस तरीके से देख लेते हैं गाइस इससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो गाइस जिससे हमारा थोड़ा सा हुआ तो गाइस हम इसको थोड़ा इतना ही रखते हैं, अगर वापस ऑरेंज कलर में आ जाते हैं ठीक है। एंड ह्यू को हम एक बार और छेड़ेंगे गाइस। तो गाइस हमें ज़्यादा कुछ वो नहीं आ रहा, तो गाइस हम इसको इतना ही रख लेते हैं ठीक है। एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, एंड ब्लू कलर थोड़ा सा गाइस देख लेते हैं, ब्लू टोन थोड़ा अच्छा सा आ जाता हूँ। तो गाइस नहीं आ रहा तो गाइस हम इसको इतना ही रख लेते हैं ठीक है। एंड टेम्परेचर को भी थोड़ा सा छेड़ लेते हैं। सो गाइस अब हमारे यहाँ तक फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइस ये देख लीजिए, मैं आपको गाइस क्वालिटी दिखा देता हूँ फोटो की। गाइस ये देखिए, ओह सॉरी गाइस ये मेरी पिछली फोटो आ गई। सो गाइस मैं इसकी आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए गाइस हमारी फ़ोटो की क्वालिटी और भी अच्छी हो गई है गाइस अब, है ना। तो गाइस हम फोटो कर लेते हैं सेव। एंड गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे इंस्टा फॉलो कर लेना, स्क्रीन पर कहीं ना कहीं आ रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।